हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर। लाइक इफ़ यू गो इन एनी इंटरव्यू, लाइक फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंटरव्यू, लाइक दे वॉन्ट अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, ऐसे इंटरव्यू में आपसे सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के पोजीशन के लिए हमको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है अबाउट विंड एनालिसिस। अब लोग बोलोगे क्या विंड एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आपको अच्छा होगा कि वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टैट प्रो है, ईटैप्स है, जिससे आप विंड के एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप मैनुअल डिज़ाइन भी सीख के जाओ, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए विंड एनालिसिस का, VV K1 K2 K3 तो आपको पता होना चाहिए। K1 क्या है, VV क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है। अगर मैं थोड़ा सा डीप में डिस्कस करूँ तो VV होता है बेसिक विंड स्पीड। और उसके बाद बेसिक विंड स्पीड क्या होता है, हर एक सिटी का अपना एक बेसिक विंड स्पीड होता है। जैसे मैं अगर पुणे में हूँ तो पुणे का बेसिक विंड स्पीड 39 मीटर पर सेकेंड है। ये आपको IS 875 पार्ट 3 में सबसे लास्ट पेज से थोड़ा सा पहले, दो तीन पेज पहले आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कौन से सिटी के क्या बेसिक विंड स्पीड होती है। इसके बाद होता है K1। K1 क्या होता है दोस्तों, K1 मीन्स होता है रिस्क कोफिशिएंट, मीन्स आप बिल्डिंग जो बना रहे हो वो स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो कितने साल के लिए डिजाइन कर रहे हो, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। अगर आपका स्ट्रक्चर ब्रिज स्ट्रक्चर है तो ब्रिज स्ट्रक्चर के लिए कितने साल के लिए आप उसको ब्रिज, लाइक जैसे ब्रिज को हम लोग 100 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं, तो आपको 100 ईयर के लिए कितनी वैल्यू लेनी है। वैसे मैं मुझे याद है 1.06 वैल्यू आप देते हैं, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए 1 देते हैं रिस्क कोफिशिएंट। इसके बाद हम लोग आते हैं K2 पे। K2 में हम लोग टेरेन कैटेगरी डिसाइड करते हैं। टेरेन कैटेगरी क्या होता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शंस आउटर साइड ऑफ द बिल्डिंग्स, जो आपकी बिल्डिंग है उसके आउटर साइड में क्या कितने ऑब्स्ट्रक्शंस है, मतलब कितने मीटर तक ऑब्स्ट्रक्शंस है, उसको हम लोग टेरेन कैटेगरी बोलते हैं। उसमें कैटेगरी 1 में 1.5 मीटर तक रहता है, कैटेगरी 2 में 10 मीटर तक रहता है, कैटेगरी 3 में हम लोग 20 मीटर तक करते हैं, और उसके ऊपर अगर है तो टेरिंग कैटेगरी फोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास होता है टेरिंग कैटेगरी के अंदर ही हर एक कैटेगरी में 3 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास ए क्या होता है, क्लास ए मतलब कि आपका लेंथ विड्थ हाइट में से जो सबसे अधिक डायमेंशन का है, लेंथ या विड्थ या हाइट बिल्डिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्लास डिसाइड करना पड़ता है बिल्डिंग का। जैसे कि अगर हम बात करें कि बिल्डिंग का अगर लेंथ विड्थ हाइट में से सबसे जो बड़ा डायमेंशन है उसका हाइट है, और हाइट कितना है 15 मीटर है, तो 15 मीटर है तो ये क्लास ए में आएगा, क्योंकि 20 मीटर तक उसकी जो बिल्डिंग्स होती है क्लास ए में आती है, और उसके ऊपर 20-50 मीटर्स रहती है तो क्लास बी में आती है, और उसके बाद उससे बड़ी बिल्डिंग है तो क्लास सी में आती है। इसके बाद होता है दोस्तों टोपोग्राफी फैक्टर K3, जो एंगल पे डिपेंड करता है, कितना एंगल है आपका। अगर एंगल आपका डिग्री, लाइक बिल्डिंग का जो एंगल है, टोपोग्राफी फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो अगर 3 डिग्री के नीचे है तो उसकी वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, उसके ऊपर है तो आप IS कोड में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इस तरीके से वैल्यू ले लिया जाता है। ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन जो था विंड एनालिसिस के ऊपर, ये भी काफ़ी बड़ा था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PPT दे दूंगा आपको, उस PPT में आपको प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ऐसे समझाने में पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको PPT से प्रेजेंट करके दे देंगे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो अबाउट सेस्मिक, ठीक है, अबाउट सेस्मिक। और सेस्मिक के ऊपर क्वेश्चन आते ही तो सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सेस्मिक के कितने जोन हैं इंडिया में, कितने अर्थक्वेक जोन हैं। तो दोस्तों अर्थक्वेक जोन हमारे पास इंडिया में 4 अर्थक्वेक जोन में कौन सा जोन है, जोन 1 अभी हटा दिया गया है, जोन 1 एंड जोन 2 को मिक्स करके जोन 2 हो गया है। तो जोन 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.10। जोन 3 की जो वैल्यू होती है वो 0.16। जैसे मैं पुणे में हूँ तो पुणे जो है वो जोन 3 में है। ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग जो अपने जोन है वो आप ग्राफ देख सकते हैं, मैं आपको एक ग्राफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ग्राफ में देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए आपको जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 जिसको बोलते हो आप लोग। तो जोन 3 जो होता है उसका वैल्यू कितना आया, 0.16 आ गया। इसके बाद होता है जोन 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.24, और उसके बाद जोन 5 होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.36। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है अबाउट सेस्मिक। इसके बाद आपसे पूछा जाता है लाइक सेस्मिक में ही अगर हम बात करें तो सेस्मिक में उसके बाद आपसे पूछते हैं कि इसको सेस्मिक को कैसे नापते हैं, तो इसको सिस्मोग्राफ से नापते हैं दोस्तों। जहाँ भी अर्थक्वेक का चांसेस ज़्यादा रहता है, हर जगह पे स्टेशन बनाए गए हैं, तो उस स्टेशन पे आपको सिस्मोग्राफ डाला जाता है। सिस्मोग्राफ से इसका लाइक हम लोग अर्थक्वेक नापते हैं, और अर्थक्वेक टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन के ग्राफ में नापते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका यूनिट पूछा लिया जाता है हमसे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट ये रेक्टर होता है। क्या होता है, रेक्टर बोलते हैं ना, 7.5 रेक्टर का अर्थक्वेक आया, 8 रेक्टर का अर्थक्वेक आया,
तो एक क्वेश्चन आपका विंड का फिक्स हो गया और एक सेस्मिक का। आइए इनके आई स्कोर भी देख लेते हैं। तो विंड के लिए जो आई स्कोर यूज करते हैं IS 875 Part 3 यूज करते हैं, और सेस्मिक के लिए जो आई स्कोर यूज करते हैं 1893। अभी 2016 आ गया है, तो आपको मैं बताऊं तो 2016 और इसके पहले क्या था, आपने जो पढ़ा होगा कॉलेज में IS 1893 2002 पढ़ा होगा। तो कई इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि IS 1893 2002 और IS 1893 2016 में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ऐसे तो 11-12 डिफरेंस है, जिनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में उतना हम लोग टॉपिक नहीं कवर कर सकते, लेकिन अगर मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बताऊं तो उसमें सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपने अगर पढ़ा होगा तो एक होती है जनरल बिल्डिंग होती है और एक होती है इंपॉर्टेंस बिल्डिंग। जनरल बिल्डिंग बोले तो हम लोग का जो घर होता है ये जनरल बिल्डिंग होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और कमर्शियल बिल्डिंग में हमारे पास क्या होता है, लाइक इंपॉर्टेंस बिल्डिंग में क्या होता है, हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग होता है, स्कूल बिल्डिंग होता है, लाइब्रेरी होती है, इस तरीके हॉस्पिटल होते हैं, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंस है। अभी एक और जो अभी 16 में जो अपडेट आया है, उस अपडेट में ये है कि अगर हमारे जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उस पर 200 से अधिक लोग आ रहे हैं डेली, तो उसकी वैल्यू हम लोग 1 नहीं लेंगे, अभी तक 1 लेते थे, 1.2 लेंगे। कितना लेंगे? 1.2। और अगर वो इंपॉर्टेंस बिल्डिंग है तो ऑफकोर्स 1.5 लेंगे। इसका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, अगर फैक्टर आपने सही नहीं डाला, फैक्टर आपने 1.5 डाल दिया और जनरल बिल्डिंग है तो मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा सॉफ्टवेयर, इसलिए आपको फैक्टर को समझ के ही फैक्टर को डालना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि IS 800 1984 and IS 800 2007 जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इनके बीच में ये है कि IS 800 1984 आपका जो है ये आपको वर्किंग स्ट्रेस में था, जिसको WSM से के नाम से आप जानते हो, से डिजाइन करता था आपका स्ट्रक्चर को। और IS 800 2007 जो है ये लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करता है। अब आप बोलोगे कि लिमिट स्टेट मेथड क्या है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, तो वर्किंग में क्या करते थे, इलास्टिक लिमिट तक ही केवल डिजाइन करते थे, लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग प्लास्टिक लिमिट तक डिजाइन करते हैं। अब आप बोलोगे प्लास्टिक लिमिट क्या होता है और इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उसको भी कवर नहीं कर सकते। ये वीडियो जनरली किस इंटरव्यू के लिए है कि आपका कोई इंटरव्यू है तो उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड है। इसके अलावा पूछते हैं आपसे कि कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स आपके पास है, तो आप बोलिए हाँ हमारे पास ऑटो कैड है और स्टैट प्रो है, हमको ऑटो कैड अच्छे तरीके से आता है, स्टैट प्रो अच्छे से आता है। कई लोग अगर आपको पता है कि ईटैप्स भी आता है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपसे पूछेंगे सबसे पहले कि ऑटो कैड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑटो कैड में आपसे पूछते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं डिटेलिंग किस तरीके से करते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड की शॉर्टकट की क्या है XL आपको पता होगा, इसके अलावा एक्सप्लोड कमांड की शॉर्टकट की X Enter आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एरे वगैरह तो पूछते हैं, एरे कितने हैं, रेक्टेंगुलर पाथ और पोलर, ये तीन टाइप के एरे हैं ऑटो कैड के अंदर, इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्त। इसके अलावा स्टैट प्रो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे स्ट्रक्चर की एनालिसिस के लिए जा रहे हो, तो स्टैट प्रो में आपसे पूछते हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड का क्या यूज़ है। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड क्या करता है, वो एक ब्लॉक बनाता है आपके उसके पास, लाइक हमने ऑटो कैड में पढ़ा होगा ना, डायनेमिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक बोले तो जिस ब्लॉक को हम चेंज नहीं कर सकते उसको स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं, जिस ब्लॉक को हम चेंज कर सकते हैं उसको डायनेमिक ब्लॉक बोलते हैं। अगर उसके बारे में भी आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा क्या होता है स्टैटिक ब्लॉक, क्या होता है डायनेमिक ब्लॉक, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कई इंटरव्यू में मैंने एक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैट प्रो में बात करूँ तो स्टैट प्रो की जो फाइल फॉर्मेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या फाइल फॉर्मेट है, .std स्टैट प्रो का फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा ऑटो कैड का फाइल फॉर्मेट पूछ लेते हैं लोग तो .dwg डॉट जरूर लगाइएगा आप लोग। इसके अलावा पूछते हैं कि ऑटो कैड से जब स्टैट प्रो में फॉर्मेट लाइक उसको किसी भी प्लान को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उस टाइम पर ऑटो कैड का फॉर्मेट क्या होता है, तो .dxf होता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा IS कोड के बारे में आप पढ़ के रखिए। और ETAPS में आपसे पूछते हैं मास सोर्स का क्या यूज़ है, तो मास सोर्स क्या करता है, वो स्केल फैक्टर देता है। स्केल फैक्टर किस चीज़ के लिए देता है, थोड़ा सा डीप में है, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा उसके बारे में, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। अगर आपका लाइव लोड 3 kN के ऊपर है तो मास सोर्स में हम लोग फैक्टर देते हैं कि हम लोग केवल और केवल सेस्मिक एनालिसिस के टाइम पे केवल और केवल 0.25 मतलब 25% ही लाइव लोड कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब अर्थक्वेक आएगा तो हमारी बिल्डिंग पे लाइव लोड केवल और केवल 25% होगा। तो इस तरीके से हम लोग ETAPS में भी हम लोगों से काफ़ी, इसके अलावा एडिट फ्रेम कैसे करते हैं, इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, EDB होता है,
इससे भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हम ऑटो कैड की फाइल को स्टैट प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, इंपोर्ट कर सकते हो। सेंटर लाइन निकाल के आप स्टैट प्रो पे या ईटैब्स पे जिस पे भी इंपोर्ट करना चाहो उस पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए ये हमने एक पहला पार्ट बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक एक करके ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं एक सोच रहा हूँ कि एक आपके पास एक वीडियो बनाता है उसका पार्ट टू, जिसमें हम लोग सेस्मिक के बारे में थोड़ा डीप में जाके कैलकुलेट कैसे करते हैं, बताते हैं आपको प्रॉपर एक बिल्डिंग को किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए वो है कमेंट्स, क्योंकि जो जो कमेंट हमको आता है हम उसी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो को तैयार करते हैं। ये कमेंट हमें आए थे और इस कमेंट के थ्रू हमने इसके बारे में आपको बताया, इसलिए आप हमको फिर से एक कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं। जैसे कई लोगों ने मुझे सेस्मिक के बारे में बोला है, जिसका मैं पार्ट टू लाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंटरव्यू पार्ट टू लेके आने वाला हूँ। ये पार्ट वन है, तो इसके पार्ट टू के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा आपको अच्छा लगा उसका फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।